चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच सोमवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आईपीएल 2020 का 37वां मैच खेला जाएगा। इस सीजन में इन दोनों के बीच हुए पहले मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई को 16 रन से हराया था। ऐसे में सीएसके उस हार का बदला लेना चाहेगी। जीत के साथ आईपीएल 2020 का आगाज करने वाली दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत कठिन हो गया है। दोनों ही टीमों के 9 मैचों में 6 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल में 7वें और 8वें स्थान पर हैं। ऐसे में सोमवार को होने वाले मुकाबले में दोनों ही टीम के लिए जीत बहुत ज़रूरी है। हेड टू हेड की बात करें तो आईपीएल इतिहास में दोनों टीम्स के बीच 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 14 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान केवल 8 मैच ही अपने नाम कर सकी है। सीएसके के लिए ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का चोटिल होना बड़ा झटका है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी उनको रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो फेफ डू प्लेसी और सैम करन एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। मिडल ऑर्डर में शेन वॉटसन, अंबती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और केदार जाधव, गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और करण शर्मा टीम में बने रह सकते हैं, जबकि लुंगी एनगिडी ब्रावो की जगह शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की टीम ने पिछले मैच में शानदार खेल दिखाया था, लेकिन अंत में उसकी गेंदबाजी उसे जीत नहीं दिला सकी। प्लेइंग 11 की बात करें तो रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स एक बार फिर से पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मध्यक्रम में स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, जॉस बटलर, राहुल तेवतिया, रियान पराग, गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, उसके बाद अंकित राजपूत या जयदेव नाटकट में से किसी एक को खिलाया जा सकता है।